बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज्जिबान। और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे। इन्हीं नेमतों का इस्तेमाल करते हुए आज हम बनाएंगे सेहत बख्श विटामिन सी से भरपूर ऑरेंज जूस। तो वीडियो को आगे देखने से पहले मेरे चैनल नीला पीके पकवान को सब्सक्राइब और वीडियोज को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा। आए हम आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। ऑरेंज जूस बनाने के लिए हमें चाहिए ऑरेंज और काला नमक। हमने माल्टे लिए हैं और ये विटामिन सी से भरपूर होते हैं और आजकल बहुत ही मज़ेदार और मीठे माल्टे मार्केट में आए हैं, तो हमने सोचा कि आपके साथ क्यों ना जूस की रेसिपी ही शेयर की जाए। तो हमने माल्टे ले लिए हैं। अब हम इसके छिलके को इजीली इस तरह से रिमूव कर लेंगे। और बाकी छिलकों को भी इसी तरह से उतार लेंगे। ये देखिए हमने सारे छिलके उतार दिए हैं। अब हम इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि हमने इसके छोटे छोटे साइज क्यों किए हैं। आप इसमें आसानी से माल्टे का जूस भी बना सकते हैं। यही कोशिश होती है आपके साथ वही रेसिपी शेयर करें जो आसानी से बन जाए। देखिए हमने माल्टों को छोटे छोटे साइज में कट कर लिया है। अब हम आपको गाजर के जूस निकालने वाली मशीन में ही माल्टे का जूस बनाना सिखाएंगे, क्योंकि माल्टे की जो मशीन होती है वो सबके पास मौजूद नहीं होती, तो इसलिए हमने ये वाली मशीन ली है। अब इस तरह से हम बाउल को मशीन के नीचे रख देंगे ताकि जो भी जूस हो वो इसमें आ जाए। अब मशीन को चला दें और माल्टों के जो हमने छोटे छोटे स्लाइस किए थे वो डालते जाएँ और उसे प्रेस कर लें ताकि जूस निकल आए। हमने छोटे छोटे स्लाइस इसलिए किए थे क्योंकि जब हम इस मशीन में बड़े बड़े स्लाइस डालते हैं तो वो मशीन में जाकर फंस जाता है और वो जूस सही तरह नहीं निकलता। इस मशीन का ये फ़ायदा है कि इसमें जूस सब निकल जाता है, तो गन जो होता है वो साइड पर चला जाता है। आप इसको इजीली बाद में रिमूव कर सकते हैं ताकि माल्टों को भी डालकर इसका जूस निकाल लें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह हमने माल्टे का जूस निकाल लिया है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि माल्टा अल्लाह की तरफ से बेहतरीन नेमत है। माल्टे में विटामिन सी भरपूर होता है, कुव्वत मुदाफियत बनाने के लिए बेहतरीन है। माल्टे का जो जूस है वो निज़ाम एग्ज़ाम को भी अच्छा रखता है। माल्टे का जूस आप दिन में एक बार लाजमी पिए। माल्टा कोलेस्ट्रॉल और हाई ब्लड प्रेशर को भी नॉर्मल रखता है और ये स्किन के लिए भी बहुत मुफीद है। अब हम इसमें दो छोटे खाने के चम्मच काला नमक ऐड करके अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। हमें इसमें कुछ इजाफी पानी नहीं डालना। अगर आपको हमारी रेसिपीज पसंद आती हैं तो कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर किया करें। अब हम जूस को गिलास में निकाल लेते हैं। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार विटामिन सी से भरपूर सेहत बख्श ऑरेंज का जूस तैयार है और ये बनाना बहुत आसान है। तो इस जूस को अपने घर में ज़रूर बनाएं और ख़ुद भी पिएं और घर वालों को भी पिलाएं। और साथ साथ मेरे चैनल नीला पीके पकवान को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा।